हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 13 जनवरी 2024 और अभी हम हैं अपने कैमल कारवां पे। जो लोग पिछली वीडियो हमारी देख रहे थे उन्हें पता है कि हमारा कैमल कारवां चल रहा है जैसलमेर में। सम से हमने स्टार्ट किया था और 8-10 किलोमीटर की कैमल राइडिंग करने के बाद हम लंच ब्रेक के लिए कहीं पे रुक गए थे। तो अभी लंच ब्रेक वगैरह सब हो गया है और हमारे कैमल सारे के सारे रेडी हैं, कैमल राइडर भी रेडी हैं और अभी चलते हैं फिर आगे कहीं पे। अभी बजे हैं शाम के 4:30 और 1-1.5 घंटा कैमल राइडिंग करेंगे और फिर किसी और बढ़िया बढ़िया से शानदार से ड्यून पे जाके रुकेंगे। वहीं पे रुकेंगे, चाय ब्रेक, चाय वगैरह पियेंगे, फिर जो है सनसेट देखेंगे, वहीं से डिनर बनाएंगे, डिनर खाएंगे, वहीं पे ओपन में पड़ के सो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप ये सारी की सारी हरकतें आप देखने वाले हो। भाई लोग हमारे बैठ गए, मेरा वाला किधर है, किधर बैठूं भाई मैं? ओ भाई, लक्कड़ उठा लिए जी, लक्कड़। हाँ भैया, जो लाइट में कैंप फायर करेगा, आग जगेगा, जब फिर आप खाना खाएगा, इन्हें कैसे खाएगा? लक्कड़ में होगा कैंप फायर, कैंप फायर होगा। ये बढ़िया, क्या कहाँ से उठाए? अच्छा, यहीं से उठा लिए। चलो बढ़िया बढ़िया। दीप्ति वाले ऊंट पे क्या है? नहीं, पीछे पीछे कैमल का खाना है, ऊंट का चारा। और भाई इसी तरह ही है जी, किसी पे ऊंट का चारा है, किसी पे हमारा चारा है, कपड़े लत्ते और राशन पानी सारा का सारा हम अपना जो है ना लेके चल रहे हैं। सर के लिए ऊंट पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, बैठ गए। क्या बात, अच्छा आपके नीचे भी लकड़ियाँ आ गई। क्या बात है, क्या बात। चलो सर, चलो ऊंट भाई उठ जा, ऊंट भाई उठ जा। अभी कितना देर चलना है सरदार? अभी कितना देर चलना है? लग जाए, अपने घंटा लग जाएगा। एक घंटा? चलो 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 सरदार, अगले गांव में चलो। सरदार आज कौन सा गांव लूटना है? भाईजान मकसद नहीं भूलना है, आज कराची लूटेंगे जाके। आज कराची? चलो सर आज कराची। भाईजान मकसद नहीं भूलना, नहीं भूलना मकसद, नहीं भूलना आज कराची, कराची लूटना है आज। ये सारे ऊँटों को पूछो में बांध दो, ऊँट की पूछ में, पूछ की ऊँट में बांध दो। तभी कराची लूट पाएंगे, नहीं तो नहीं लूट पाएंगे। भाई हम लोग पीछे रहेंगे क्योंकि पीछे बैठ के आगे तक की पूरी लाइन के बढ़िया फोटो आते हैं, मुड़ना नहीं पड़ता फोटो खींचने के लिए। ऊँट पे बैठ के पीछे घूमना। चलो सर, हाँ इन्हें जाने दो, इन्हें सबसे आगे आगे जाने दो। अरे चुप रहे यार, तू भी कैसी बात कर रहा है। चलेंगे चलेंगे यार, ठंड रख। ओए चलो सर, चलो चलो आप लोग चलो। भाई पीछे रहना, हाँ पीछे पीछे रहना, इन्हें निकलने दे आगे। ओ कराची भाई ये, ओ भाई ये भी लाइव देखने आ गया। आगे तक के पूरे सीन दिखते हैं ना पीछे से, तो मेरी वीडियो बढ़िया बन जाती है। हाँ इसका क्या सीन है? ये ट्रेनी है। अच्छा। बालक है, बालक। हाँ, हाँ। इसका अभी कोर्स चल रहा है। तो जी इस प्रकार हमारी कैमल कैमल कारवां का, देखो कैमल सफारी तो बहुत होती है, हम इसको कैमल सफारी नहीं कहेंगे, हम इसको नाम देंगे कैमल कारवां। पुराने जमाने में इसी तरह से लोग बाग अपने ससुराल जाया करते थे, अपनी रिश्तेदारियों में जाया करते थे, लड़ाई लड़ने जाया करते थे। तो हम भी पता नहीं किसके यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बट कैमल कारवां चल रहा है हमारा। अपना राशन पानी देखो भाई, लकड़ भी बांध लिए। अगले कैमल कारवां की हम जो अगली जो भी कोई डेट होगी वो हम आपको बता देंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना, अनसब्सक्राइब मत कर देना बिल्कुल भी। अगर आप मेरे से नाराज भी हो जाओ तो भी अनसब्सक्राइब नहीं करना बिल्कुल भी, सही है ना? हाँ, तो अभी और बढ़िया वाले ड्यून में चलेंगे, ऐसा जी खुश हो जाएगा मेरा भी और आपका भी, सबका जी खुश हो जाएगा। सुबह सुबह जब हम चले थे ना कैमल पे बैठ के नवे नवे ताजे ताजे, तो जैसे ये ऊँट हिल रहे थे हम भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। अब बिल्कुल कम्फर्टेबल है एकदम। अब मैं शुद्ध हाथ में मोबाइल पकड़ सकता हूँ, उल्टे हाथ में भी पकड़ सकता हूँ, बिना हाथ छोड़े भी, मतलब बिना हाथ पकड़े, मतलब बिना ऊँट को पकड़े भी मैं बैठ सकता हूँ आराम से। अब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हो रही, नहीं हो रही ना सर दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भाई यहाँ रुकेंगे जी, पहुँच के फाइनली आधा पौना घंटा के करीब चले,
और यहाँ पे बिल्कुल सैंड ड्यून में। किधर किधर भाई, चलो यहीं पे रुकेंगे ना। हाँ जी यहीं पे रुकेंगे भाई, सैंड ड्यून है एकदम कतई जहर वाला। हाँ ऊपर चढ़ाओ जिससे कि हमें ऊपर चढ़ने में कष्ट ना हो। हम बेचारे मोटे मोटे पेट वाले लोग छोटी छोटी सी चढ़ाइयों में कष्ट 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 होने लगता है। तो इसलिए ऊँट को सबसे ऊपर वाले टीले पे चढ़ा दो, वहीं पे हमें रोकना। यहाँ पे होगा जी हमारा नाइट स्टे। पहले सर जी को बैठाओ, लकड़ वाले सर जी को, ये सबसे ज़्यादा कीमती हैं। बैठ गया भाई, अब जब मेरा नंबर है। ऊँट खड़े होते टाइम बैठते टाइम मेरे को लगता है डर है। नहीं भाई, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है चाचा का, इसका ऊँट का? हाँ इसका कुछ भी नाम दे दो, मिंटू। इसका नाम है मिंटू। राजा? अच्छा राजा। इसका नाम है बबलू। राजा पे तो राजा लोग ही बैठेंगे। चलो जी अपने ऊँट जो है ना अभी फ्री हो गए हैं और इनका सारा का सारा लगेज वगैरह उतार दिया जाएगा और ये अपने हिसाब से अपनी रात गुजार लेंगे भाई। ठीक है ना? ठीक है बबलू भाई और राजा भाई और एक और था वो। ठीक है भाई, ओके। हाँ 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 ओके। चलो जी अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल सैंड ड्यून में। चारों तरफ देख लो जी कितना बड़ा, हमारे चारों तरफ कितना बड़ा डेजर्ट, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। अभी सनसेट होने में है, एक घंटा बाकी। तो अभी हम यहीं पे रहेंगे, इधर ही हमारा कहीं पे बिस्तरा वगैरह लगेगा। दो तीन हम टेंट भी लेके आए हैं, किसी को अगर टेंट में सोना है तो वो टेंट में सो जाएंगे। लो जी गद्दे वगैरह बिछ गए हैं, किसी को ऐसी लोट मारनी है तो आराम कर लो। और ये देखो कितने बड़ा डेजर्ट है, इस पे ऊपर चढ़ जाऊंगा तो बहुत दूर तक डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई दे रहा है। हम तो रेत में लोट मारे, मैं गद्दा में तो लोट बहुत मार लिया घर में। रेत में मारोगे? हाँ रेत में लोट मारे। हाँ हैं हैं क्या, नीरज भैया बेस्ट। हाँ नीरज, कौन सा नीरज? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, नीरज शर्मा। ये उठा ले, ये वाली ये उठा ले और ऊपर बिछाऊंगे चल के, क्योंकि यहाँ तो हमारे सैंड ड्यून की परछाई आ गई। चल उठा, चलो भाई चल ऊपर बिछाऊंगे, वहीं पे बैठ के आराम से सनसेट देखेंगे। लो जी अपना गद्दा जो है यहाँ बिछ गया है, यहीं से डायरेक्ट सनसेट देखेंगे, यहीं से चारों तरफ की फोटोग्राफी करेंगे। चारों तरफ बड़े शानदार अनटच अनटच ड्यून है, नीला आसमान, हल्के हल्के बादल और अनटच ड्यून एकदम। यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है रुका हुआ है। हम भी रेत पे वो बिछा के बैठे हैं, गद्दा बिछा के। ये देख लो जी अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, जो सबसे ऊंचा वाला ड्यून था उस पे, वहाँ पे वो दीप्ति वगैरह बैठी हुई है, वहाँ पे नीचे हमारे ऊँट वगैरह बंधे हुए हैं। और चारों तरफ देख लो जी कितना बड़ा डेजर्ट, कितना बड़ा सैंड ड्यून और अनटच एकदम, कोई भी नहीं। ये देखो जी ये वाला व्यू, अभी शाम को जैसे जैसे सनसेट होगा यहाँ पे कतई जहर वाला फोटो बनेगा यहाँ पे ये। हाँ ये देख लो भाई चारों तरफ, और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, हम ही हमें बस। लो जी भाई सनसेट अभी होने वाला है यहाँ से, और हमारे भाई लोग ना रेस मार रहे हैं। अरे वो गिरे। बच गए बस, जरा जरा से बच गए वीडियो रिकॉर्ड होने से। हाँ चलो सर, चलो चलो सर, चलो गिरो एक बार, पलट जाओ ये। गिरो गिरो गिरो, गिर जाओ ऐसे नहीं, आगे को सिर आगे लगना चाहिए जमीन पे। हाँ जी सनसेट भाई वाह, ऐसा सनसेट जब भी मैं कभी सनसेट दिखाता हूँ ये डायलॉग बोलता हूँ, ऐसा सनसेट हमने कभी नहीं देखा। ये एकदम फर्जी डायलॉग होता है भाई, इस मेरी ऐसे डायलॉग पे कभी भरोसा मत करना। ऐसा सनसेट पता नहीं हमने कितनी बार देख लिया, लेकिन भाई हर बार का एक्सपीरियंस अलग होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और सनसेट के बाद देखो आसमान में जो बादलों का पैटर्न है ना, ये सारा का सारा अभी तो देखो वाइट दिखाई दे रहा, फिर ये रंग बिरंगा हो जाएगा और फिर सीनरी हो जाएगी कतई जहर वाली। तो सनसेट तो देखो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसकी जो अलग जो फीलिंग होती है, तो सैंड ड्यून में कोई भी नहीं है। ये जो सैंड ड्यून है ना तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा, ऐसे इस तरफ लंबाई में 2 किलोमीटर तक है और इस तरफ आधे किलोमीटर तक है। बहुत चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा सैंड ड्यून है, काफ़ी दूर। हमारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। ये देखो किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं रेत में, और रेत पे जो लहरें सी बनती है ना, ये देखो ये आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कतई देखने को नहीं मिलेंगी, हमारी वीडियो में देखने को मिलेगी। बस सनसेट देख लो, उसके बाद
चाय वगैरह बन रही है, उसके बाद फिर डिनर बनेगा, उसके बाद फिर हम आग लगावेंगे, उसके बाद हम डिनर करके सो जाएंगे। और ये जो है ना, आज मेरा चेहरा काफ़ी जल गया है धूप में, ये देखो इतना इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। नहीं यार, मोबाइल जो है ना, जब मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करता हूँ, मोबाइल अपने हिसाब से चेहरे में थोड़ा सा ग्लो बढ़ा देता है, चेहरा साफ सुथरा सा दिखा देता है, कुछ मोबाइल का इंटरनल सिस्टम होता है। नहीं तो मेरा चेहरा ना इतना इतना, मैंने चश्मा लगा रखा था तो इतना तो बच गया, ये इतना 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 जल गया धूप में, देखो अलग ही दिखाई दे रहा है। ये देखो ये सब धूप में अलग ही जल गया, ये कल को पता चलेगा, अभी तो लाल लाल सा हो रहा है, कल को ये एकदम काला काला सा हो जाएगा, बिल्कुल जला जला सा। आज बढ़िया वाली धूप लगी है चेहरे पे, मज़ा आ गया। ये हमारे सिद्धार्थ भाई और संध्या जी, सिद्धार्थ और संध्या जो है ना, संध्या का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने अपना अलग ड्यून पकड़ लिया, वो अकेले बैठे हुए हैं अपने अलग ड्यून पे। आपका बिस्तरा यहीं पर लगवा दें? अब मज़ा, ठीक है ठीक है, डन। इधर कूदने पूदने के ए, गिरे, गिरे, वे, ये बात लगी तो नहीं सर, एक बार और मुंह में भर गया, गिरे था, नहीं नहीं आंख में तो नहीं गई, नहीं नहीं, चलो चलो चलो, ऐसी जा, ऐसी जा तू भी, ऐसी ऐसी, हाँ ऐसी, हो जा हो जा, मेरे बस की ना, मेरे बालों में भर जाएगी, बाल कल को धुल जाएंगे तेरे, सर एक बार और, हाँ जाएंगे दोबारा से, अब इनका कॉन्फिडेंस आ गया है। प्रोफेसर सर, सर हाँ जाओ, आंख बंद कर लेना, और ले 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 भाई, ओ तेरी की ये बात, अरे ये तो सिर ही चली गई होगी रे, आपको भी जाना ऐसे ही, ना ना मैं नहीं, इधर तो आओ, पीछे आओ पीछे, अरे जैसे ये, चलो चलो चलो, खराब कर रही है, रेत ही खराब करना आई हूँ, मेरे बस की वो नहीं है। जाओ सर, और कौन महारथी है? लो जी, सनसेट हो गया है और अपनी जिंदगी का एक और बेहतरीन सनसेट हमने देख लिया है। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, अद्भुत 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 अद्भुत, मजा आ गया, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था सर, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था, जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ सबसे, अभी सारे के सारे ना सनसेट की खूबसूरती में खोए हुए हैं, मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ सबसे, सर जी के कान में तो रेत भी भर गई, सनसेट और जो है रेत दोनों के उसमें खोए हुए हैं एकदम, आंख आंख वाग में तो नहीं भरी? अच्छा नहीं, वो पहले से ही बंद कर रखा था हमने, अच्छा आँख, अच्छा आंख और मुंह तो बंद कर रखा था, इसलिए दोनों जगह बची रही, हाँ लेकिन मुंह धोने का मौका मिलेगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। चांद निकल गया जी, थोड़ी देर में चांद छुप जाएगा, फिर अंधेरी रात हो जाएगी, स्टार गेजिंग होगी एक नंबर की। लो जी, खाना बनाने की तैयारी हो गई शुरू, इधर खाना बना रहे हैं, क्या बनाओगे आज? आलू उलू बनाओगे? चाय भी बनेगी ना? चाय भी बना रहे हो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बनाओ। और उधर जो है कैंप फायर शुरू हो गई है, यहाँ पे चारों तरफ हमारे गद्दे उद्दे भी बिछ गए हैं, बैठ के अपना हाँ अंताक्षरी खेलो, गाने गुने गाओ और चाय चाय पियो। और उस तरफ लग गया है हमारे कैंप, लग गया उस तरफ नाइट स्टे के लिए, सोने के लिए, कुछ लोग टेंट में सो जाएंगे और जिन्हें बाहर सोना है बाहर सो जाएंगे। वैसे तो हमने प्रॉमिस बाहर का किया था, तो टेंट तो हमने एडिशनल लगा दिए, टेंट का हमने प्रॉमिस नहीं किया था, टेंट लगाना ही नहीं थे। और सामने देखो जी कितनी शानदार, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, सिलूटी 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 बनी हुई है। हाँ जी बैठो जी, आज 13 जनवरी और आज जो है ना लोहड़ी भी है, तो भाई लोहड़ी भी गावेंगे यहीं पर। मूँगफली है किसी पे? और रेवड़ी, मूँगफली रेवड़ी सब है हमारे पास। चलो भाई ठीक है भाई, सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, पूरे ब्रह्मांड को, सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूल्हा भट्टी वाला हो, दूल्हे दी धीवे आई, शेर शक्कर पाई, सानू पा लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू पा लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। और जो घर हमें कुछ नहीं देता ना, कुछ भी नहीं देता, कहता चल चल आगे चलो, नहीं है लोहड़ी अभी, लोहड़ी तो 10 दिन पड़े हैं अभी, नहीं बाद में आना। उसको हम क्या कहते थे, बोलो मुंडियो हुक्का हुक्का, बोलो मुंडियो हुक्का हुक्का, ए घर भूखा।
लो जी भाई, इसी के बीच खाना भी बन गया है। इन्होंने बनाई है आलू की सब्जी, चावल, रोटी, पापड़ की चूरी, और ये है दाल, और भी कुछ है, और भी बहुत कुछ है। और इसी के साथ हमारी कैंप फायर चली रही है, है नहीं भाई? हाँ बोलो। ठंड सी हो रही है भाई, अभी ठंड सी बढ़ गई है, और अभी बजे हैं रात के 10, ठंड बढ़ गई भाई। ठंड लग रही है बाल को? नहीं, इधर 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 कैमरा इधर है, अभी तो नहीं लग रही है, अभी नहीं लग रही। आग के पास बैठे हैं है। मैं अभी थोड़ा सा बाहर टहलने गया था तो मुझे ठंड बहुत लग रही है। खाना कैसा बना? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, मिठाई दो यार, कोई सा मिठा दे भाई। लो जी, हमारा जो है टेंट वगैरह हो गया, डिनर वगैरह हो गया है। तो हमने ना 5 टेंट लगा लिए, और किसी को टेंट में सोना है, 5 टेंट मतलब 10 लोग, 2-man टेंट, बड़े बड़े टेंट है, तो 10 11 12 15 लोग भी इनमें आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने टेंट प्रीफर करे हैं, कुछ लोगों ने ओपन प्रीफर किया। ये देखो जी, ये बैठे, ये पड़े ओपन में, तो मैं और दीप्ति भी ओपन में ही रहेंगे। हाँ, हमारे टेंट बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो असली फोटो तो देखो सुबह आएगा, बढ़िया वाला फोटो, अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही आ रहा है। टेंट खाली है, आपने सोना है तो आके सो सकते हो। हाँ, यही एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे, और लोग बाग जो टेंट देख के टेंट में बढ़ गए। जो भी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहा कोई? हाँ, ये सुन रहे। सो गए थे? नींद कैसे आ रही है आपको ये बताओ? नहीं, नींद नहीं आ रही भैया, बाहर निकलो ना, फिर इसीलिए नहीं आ रही। चलो ना, रहो सर, रहो सर, रहो 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 रहो, ये आराम से आराम से। ये तो इतना ठंडा है। अच्छा हाँ, लोग बाग अभी टेम्परेचर भी पूछेंगे जी। टेम्परेचर है 7-8 डिग्री के आसपास होगा, नहीं 10 डिग्री के आसपास होगा, 8-10 होगा जी, 8-10 डिग्री प्लस में। मतलब हम जिस वजह से यहाँ लेटे हुए हैं, वो वजह शायद आपको वीडियो में ना दिखेगी, ये तारे कैसे हैं, बट बाद में अगर आप शेयर करेंगे फोटोज वगैरह, तो ये आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ क्यों लेटे हुए हैं। बहुत सुंदर है, तारे वगैरह सब इतना सुंदर है, आप यहाँ कुछ चीज, नहीं नहीं, कुछ चीज ऐसी है जो पैकेज में देनी चाहिए, वो वीडियो में नहीं देनी चाहिए। ये जो चीज हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो आप यहाँ आएंगे तो ही मिलेगा, यहाँ आएंगे तो ही मिलेगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा ही नहीं कि हम क्या देख रहे हैं। सरप्राइज है। और अभी जो 2 दिन पहले अमावस्या खत्म हुई है, चांद छोटा सा निकला था, वो छुप गया, तो अभी रात को चांद कैसे छुपता है? ये मैं भी नहीं समझ रहा, रात को सूरज छुपता है अभी? हाँ, तो जी हम ये कह रहे थे कि ये वाला नजारा देखने के लिए ऊपर आसमान का अभी कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। मैं अगर मोबाइल की स्पेशल सेटिंग करनी पड़ती है कैमरे की, तब जाके दिखता है, तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ये वाला नजारा देखने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। घुप अंधेरा है एकदम, और भाई आसमान में तारे तो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मजा आ गया। मोटे मोटे कंचे कंचे, मोटे मोटे कंचे कंचे तारे। नीरज भाई, पूरा गैलेक्सी का आज हमें डिटेलिंग बताएंगे, कहां पूरी गैलेक्सी, कौन सा तारा है, हाँ, कल बताएंगे कौन सा, पूरी गैलेक्सी बताऊंगा अभी रजाई में बढ़ के। ओरायन बेल्ट भी दिख रही है, ओरायन बेल्ट भी दिख रही है, गैलेक्सी सारे के सारे, लाइन से तीन। हाँ तो चलो जी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। मेरा मुंह किधर गया? ठीक ही आ रहा होगा। चलो, बहुत बढ़िया है, बढ़िया आ रहा ना, और कतई गोरा चिट्टा। हाँ चलो भाई ठीक है जी, इस वाली, और सुनो, चलो जी ठीक है, इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगली वीडियो यहाँ के, ओ यार एक समस्या हो गई, मेरी सुबह 10 बजे उठने की आदत है, और यहाँ पे 6 बजे सनराइज हो जाएगा, मुझे उठना पड़ेगा। ओपन में सोने का नुकसान ये है कि आपको सनराइज के साथ उठना ही पड़ता है। चलो खैर कोई बात नहीं, सनराइज के साथ उठ जाएंगे, अगली वीडियो में सारे के सारे तमाशे आपको, खेल तमाशे सब दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, हमारी ये वाली ट्रिप कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताना। अगली ट्रिप हम कब ऑर्गेनाइज करेंगे वो सारी की सारी डिटेल आपको धीरे धीरे करके हम बताते रहेंगे। वो डिटेल आपको तब पता चलेंगी जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, इसलिए कर लो। और नीरज भाई जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद, रुमकड़ी जिंदाबाद, रुमकड़ी जिंदाबाद, ट्रेवल किंग जिंदाबाद, ट्रेवल किंग इंडिया जिंदाबाद, जैसलमेर जिंदाबाद, अनिकेत भाई जिंदाबाद। इधर को ये सारे नेताल हो गए। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।